हॉल लाइफ, कैसे हैं आप सब। और अब मैं ले आई हूँ आपके सामने एक नया व्लॉग। आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट है, तो ये है ऊपर वाला पोर्शन, मैं रहती हूँ दरमियान वाले पोर्शन में। तो मेरी सिस्टर भी कहती थी तुम ऊपर नहीं जाती, ऊपर की नहीं वीडियो बनाती। तो वही बात ना, जहाँ का अलाव होता है उतना ही बनाते हैं। तो मैं ज़्यादातर अपने ही मतलब कमरे और किचन के इर्द गिर्द बनाती हूँ, इधर उधर नहीं। नुस्कान कर लिया। तो जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता होता है कि कराची के किस तरह के घर होते हैं। एक वहाँ पे ना फ्लैट नुमा घर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्लैट नहीं है, हमारा 3 पोर्शंस का घर है। ये देखें आपको ऊपर भी दिख रहा है, इससे जो नीचे है वहाँ मैं और मेरी जुठानी होती हैं, ऊपर वाले में मेरी सास और जेठ होते हैं, और उससे ऊपर जो छत है वो फ्री होती है। तो इस तरह है, तो माशाल्लाह घर सारे ही होते हैं और बस अलाउ नहीं होता मैं आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी वीडियो बनाई जाए। तो ये आए थे मेहमान, मेहमानों के लिए मैं बना रही थी चाय। मेरी सास जो है, मेरी खाला, वो उनके पास बैठी हुई थी मेहमानों के। मेरी जुठानी घर में नहीं थी, वो गई हुई थी कहीं अपनी बहन की तरफ, तो मैंने कहा चलो वो मेहमानों के पास बैठती हैं और मैं ना चाय बनाती हूँ। तो ये यहाँ पे गप्पे मार रही थी, बातें कर रही थी आपस में, मैं भी साथ बैठी थी चाय पी रही थी। तो जी ये इनके लिए चाय होगी रेडी, तो ये मैं चाय डाल रही थी। मेरी जो सास है ना, खाला, वो चाय पीती हैं प्याली में, शुरू से ही वो कप में नहीं पीती ना। तो एक एज भी हो गई है ना उनकी, तो वो फिर प्याली में पीना पसंद करती हैं। तो उनके लिए मैंने प्याली में डाल दी, मेहमानों के लिए मैंने चाय कप में डाल दी, और बस रेडी हो गई थी तो मैं उनके लिए लेके जा रही थी। वही बात, आपस में बैठी थी, बातें शातें कर रही थी, तो उनको तो नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने थोड़ा सा रिव्यू दे दिया कि भाई इस तरह मेहमान आए हुए हैं, ये है। तो काफ़ी वही बात ना, कि अगर हम लोग आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को दिखाएं, किसी को अलाउ होता है, किसी को नहीं अलाउ होता, तो मैं नहीं दिखाती। और ये मैं अपनी चाय भी लेके जा रही थी, थोड़ी सी बची थी तो मैंने कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ। फिर मैं आ गई अपने पोर्शन पे, ये है नीचे वाला पोर्शन। तो यहाँ पे मैंने ना पहले लगाई हुई थी ब्लैक कलर की, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर की मार्बल स्टिकर, तो उससे ना अंधेरा अंधेरा शो होता था, क्योंकि मेरा ओवन भी ब्लैक कलर का है, तो उसके साथ ही वो मर्ज हो जाता था। मैं कोई भी वीडियो पिक्चर बनाती थी ना, तो वो ब्लैक ब्लैक शेड आ जाती थी, वो अच्छी नहीं लग रही होती थी। तो आज बड़ा ब्राइट ब्राइटनर लग रहा था वाइट शीट लगा के, तो मुझे बताइएगा। मेरी पुरानी वीडियोस पे आपको ब्लैक दिखेगी, आप देख सकती हैं, तो आप मुझे बताइएगा कैसी लग रही है मेरी ये न्यू मार्बल शीट। मैंने सारी नहीं लगाई, चूल्हा ला लूँ ना तो मैं उलझन में पड़ जाती हूँ, उसका पाइप गैस वाला उतर जाता है, उसमें मुझसे लगता नहीं है। खैर मैंने आगे आगे लगा दी, बस एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी मेरे पास। तो ये शाम के टाइम जब 8-9 बजे के दरमियान मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर मैं रोटियां बना रही होती हूँ, वही रूटीन, खाना शाना, रोटी बनाना, और खाना खा लिया, चाय पी ली, और उसके बाद फिर क्लीन अप किया साथ ही सब। तो 3 से 4 रोटियां पकती हैं, क्योंकि मैं खाती हूँ एक, पहले तो मैं बैठे बैठे 2 खा जाती थी, लेकिन थोड़ी बहुत डाइट करते हैं कि एक ही काफ़ी है, तो मैं एक ही रोटी खाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाती ना, और अब खाई भी नहीं जाती। वो एक मैदा श्रिंक हो जाता है ना, जब खाते रहो तब खाते रहो, जब नहीं तो फिर ना छूट जाती है ये। साथ साथ फिर मैं सालन गर्म कर रही थी, फिर वही रात की रूटीन होती है, सारे सालन मतलब बर्तन वर्तन फ्री करके, पता नहीं कौन से लोग हैं जो सुबह उठ के बर्तन धोते हैं, हमसे नहीं भाई धुलते, हम लोग रात को ही धो के सोते हैं जो मर्जी हो। तो रात को ही बर्तन सारे फ्री करके, मतलब जब खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो फिर बर्तन सारे अच्छे तरीके से फ्री करके, मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती। बाद में स्पेशुला मैंने स्पेशल इस काम के लिए रखा हुआ है, उसके साथ बिल्कुल बर्तन को साफ़ करूँगी, क्योंकि इसमें जो बचा होता है बरकत सारी इसमें होती है। ये कंजूसी वाली बात नहीं है, मैं छोड़ देती थी, हमारे उस्ताद जी कहा करते थे कि जो बर्तन में 1-2 ज़र्रा लगा रह जाता है ना, क्या पता इसमें बरकत हो। तो जब मुझे वो बात याद रह जाती है ना, तो फिर मैं इसको ना बिल्कुल क्लीन अप कर देती हूँ, मैं नहीं रहने देती वही बात, क्या पता किस ज़र्रे में किस हिस्से में बरकत है। तो ये रहा मेरा किचन का एरिया। तो बाकी पीछे पीछे ये देखे ना, ओवन भी पड़ा हुआ है, तो फिर उसकी भी ब्लैक शेड आती है, और मैं पिक्चर अक्सर कोई खाने शाने की ना यहीं पे ले रही होती थी, तो वो फिर ब्लैक शेड आती थी, काली काली सी दिख रही होती थी, तो फिर मैंने ना थोड़ी चेंज की, इसकी वजह से बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कलर्स की वजह से, अगर आपको नहीं पता तो।
अगर आप कमरे में बेबी का रूम है उसमें डार्क कलर करवा देंगे ना, तो उस वो जो कलर है ना उसकी वजह से जो बेबी है उसको भी डल डल महसूस होगा, क्योंकि अगर आप उस डल कलर के बजाय पिंक कलर करेंगे तो वो एक फ्रेशमेंट होगी कमरे में और पॉपअप होगा कमरे का कलर और बच्चे को भी फ्रेशमेंट फील होगी। आई होप सो आपको मेरी ये कलर की थिंकिंग समझ आ रही हो, जो थ्योरी पढ़ते हैं ना उनको समझ आती होगी। ये पीछे कपड़े भी आप लोगों को दिख रहे हैं, क्योंकि कपड़े भी धोए थे और यहीं पे तार लगी हुई है, यहीं पे कपड़े मतलब डाल देते हैं, कोई एक दो दिन में सूख जाते हैं। तो जी साथ साथ बन रही थी चाय, तो ये रोटी बन रही है, साथ ही चाय बन रही है और यही काम होता है, खाना खा लिया, चाय पी ली, फिर वही बात, बर्तन समेट लिए, धो लिए, शाम की रूटीन यही होती है। तो जी रोटी पक गई और खा ली और अब आ गए हम चाय की तरफ। तो वही बात, मैं फिर ये मलाई भी साथ साथ उतर रही थी, रोटियां भी तैयार थीं और हर चीज़ अपनी जगह समेट दी जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, वही चीज़ें फेंक देते हैं और जब खाना शाना खा लेते हैं ना, वो कहते हैं फिर देखी जाएगी, फिर उठाएंगे। तो मुझसे तो नहीं होता, मैं जब रोटी पका लेती हूँ मैं हर चीज़ अपनी जगह पर रखती हूँ, क्लीन अप करती हूँ, बर्तनों को एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ जो धोने वाले होते हैं, और फिर जाके खाना खाती हूँ। तो ये देखें हर चीज़, मेरे हर बर्तन खाली कर रही हूँ, साथ ही मैंने मशीन के ऊपर बर्तन रखे हुए हैं जो कि साथ साथ फ्री हो रहे हैं। तो ये देखिए ये स्पैचुला मैंने स्पेशल इसके लिए रखा हुआ है कि कोई भी एक ज़र्रा ना बचे, क्योंकि ज़ाया हो तो बड़ा गुनाह होता है। मुझे अभी भी याद है मैं अपने उस्ताद जी को खाना दिया करते थे ना, अपने काजी साहब से जिससे हम पढ़ते थे, तो ऐसे लगता था जैसे वो प्लेट धो के उन्होंने वापस दिया, हम हैरान हो जाते थे। पहले तो हमें समझ नहीं आते थे, हम कहते थे कंजूस ना हो तो सारी कैसे प्लेट साफ़ करके गया, और फिर उन्होंने हमें समझाया कि बेटा जो बरकत है वो क्या पता इन आखिरी ज़र्रों में, और अगर आप उस बरकत को ही गिरा दोगे तो क्या फ़ायदा आप लोगों का। फिर हमें बात समझ में आई। आई होप सो आपको मेरी इन बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये मैं ना दूध दो दफ़ा गर्म करती हूँ ना, मतलब रात को आता है ना तो रात को चाय भी बना लेती हूँ, साथ साथ दूध भी गर्म कर लेती हूँ। तो सुबह लाइट इतनी जा रही होती है कि मुझे लगता है कि एक दफ़ा दोपहर को मैं फिर गर्म कर दूँ, तो उसके नीचे ना बड़ा अच्छा खोया जमा होता है, मतलब खोया ही लग रहा होता है मुझे, वो दूध पक पक के तो खोया ही बनता है ना, क्योंकि बड़ा अच्छा खोया अगर इसमें चीनी डाल के खाएँ तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये मलाई इकट्ठी हुई है, फिर इसका मैं बनाऊंगी घी, इसीलिए मैं दूध ज़्यादा मंगवाती हूँ ताकि मैं मलाई घर की हो, घर का मक्खन हो, घर का घी हो। तो ये आप देख सकते हैं एक बॉल होने वाला है, फिर इंशाल्लाह मैं घी निकालूंगी, इसका मक्खन निकालूंगी, और बस यही रूटीन चल रही है आजकल की, और कोई सीन नहीं है इतना ख़ास, आपको पता ही है। फिर हमें कोई काम था बाहर, काम है अंदर, मटर मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने क्या बोला, अनवर मटर, हम लोग आए हैं इस वक्त मटन नहीं अनवर मटन, अनवर मटन बंस रोड पे। इस बार मैंने स्टार्टिंग की नहीं ना बनाई बंस रोड, और यहाँ एडिट कोई फजूल एरिया बारबेक्यू भी है, लिखा हुआ है अनवर मटन कढ़ाही एंड बारबेक्यू। तो बारबेक्यू का क्या देखा है उस पर, साथ क्या है, नमकीन शिंगारी पे भी हम लोग गए हैं ना, बर्तन वैसे गांव में जाके भी खाते हैं बर्तन। चलो 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 चलो, ऐसे ही ठंडी नहीं हो जाएगी, उसी में से हाफ ले। साढ़े दो जाने थे, मंडन के बावजूद बच गए। कौन खाएगा हूँ, हमारा काका आएगा जो हमारे से डबल खाएगा, दोनों से वो ये पूरी खाएगा, की करेगा छोड़ देगा। हाँ तो फायदा की जो काके पटाखे ना मारन।
ये है प्लेटर हाउस, यही उस दिन देखा था हम लोगों ने। और लाल साहब रेस्टोरेंट, इसमें लाल 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 होगा सब कुछ। ये राजी सुपर शाही सनवारी, जो कि हम बहुत बार आ चुके हैं ना, दो से तीन बार आए हैं ना यहाँ पे हम लोग। हाँ, खालिश देसी घी की तरफ देख के याद आया, मैंने तो घी निकालना था घर, सुबह निकाली। जिसको खालिश देसी घी चाहिए वो बंस रोड से ले सकता है। जब भी आते हो कराची वाली करते हो, मैं नहीं खाती कभी मेरी वजह से। ये राजी बंस रोड, और ये रारी मेरा हस्बैंड, जो कि मुझे दोपहर से लेके घूम रहा है। ये मैंने लिया था मास्क 100 रुपये का, भाई वैसे 50 का मिलता है। तो जी नंबर 1 पे इसमें आ जाता है सोप, वाइटल का सोप। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, अगर लक लग गई है चेज वैल्यू में, चेज अप में जाने की, तो चलो कोई अलग चीज़ लेते हैं। वैसे हम लक्स जो भी इर्द गिर्द ये स्टोर से मिल जाता था ना तो ले लेते थे, और हमारे मंथ में 3 काफ़ी होते हैं, चल जाते हैं। और एक इसमें है ग्रेप्स, एक ग्रीन एप्पल, एक ऑरेंज। ये वैसे बाहर कितने का आता है? पंखा 2 मिनट बंद कर दो, बस 2 मिनट। 50 का आता होगा, रेड़ियाँ शेड़ियाँ। ये मेरा इटालियनो का कोको पाउडर, मेरी बेकिंग की चीज़ें, ये जेलेटिन, ये सोडा, ये बेकिंग पाउडर जो चलता आ रहा है शुरू से, पुराना स्टाइल, लेकिन मैंने छोटा लिया है। कितनी एक्सपायरी है? 2021 से 2022। और ये 0 कैलोरीज चीनी, चीनी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नहीं कुछ और ही बोलते हैं, क्या नाम है ये? सुक्राल, चलो ट्राई। और ये है हिमालयन पिंक सॉल्ट, ये एक ना फट यहाँ से थोड़ा सा कट लगा है, वो शॉपर में भी नमक है उसमें। और ये क्या है? मिक्स कॉकटेल फ्रूट, और ये इनकी पसंद के खैसे, और ये पाइनएप्पल कैन। अच्छा, ये है रानी, और ये फ्रूटी, मैंने ये पीती, इसमें चंक्स होते हैं ना ऊपर ऊपर स्पीलिंग। और ये है वनीला एसेंस, एक मैं ढूंढ रही थी केवड़ा एसेंस, वो मुझे नहीं मिला बस। और ये एक मेरा ख्याल है 50-55 रुपीज़ का था वनीला एसेंस, वरना पहले 30-40 का मिल जाता था। और इसके कितने लगे? 50। और बदतमीज चेज वैल्यू वाले 50 रुपीज़ के बाय करते हैं, जो कि हमारे लंडा बाजार से 10 रुपये के मिल जाते हैं, और बहुत सारे इकट्ठे भी हुए हैं, फिर 50 रुपये भरने पड़ते हैं हमें। जी मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।